नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रांड रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे पैसे को सेव करने का। ऐसे तो आप बाजार में जाएंगे या आपका अपना आप अपने माइंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसे सेफ हो जनरली बैंक में ही करते हैं लोग। लेकिन कई लोग जो है गलत लोगों के बातों में आकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया या कई है जो करते हैं, जैसे सहारा था कुछ करते हैं, लेकिन पैसे लगे वो और फुल हो जाते हैं। फिर वो इन्वेस्टर भी मरता है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी की कमाई उड़ंस हो जाती है। आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल निजी से सलाह को, मैं किसी के ब्याह पर नहीं बोल रहा। मैंने पर्सनल लाइफ में अपना इस तरह से किया कि जैसे कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं कि आपने कोई FD करा दिया और उसको भूल गए, उससे अच्छा है आप प्लानिंग बनाइए। 10 साल 15 साल का प्लानिंग बनाइए कि आपको पैसे करने क्या है उस पैसे का 10 साल के बाद। आज की तारीख में आपने एक अकाउंट खोला और उसमें वो एक मान लो कि कुआं, पैसे आपको कहीं जाएंगे नहीं बट एक कुआं में आप हर साल 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। टैक्स एग्जम्पशन फ्री है इनकम टैक्स की तरफ से। तो उस खाते का नाम है PPF अकाउंट। वो सरकारी बैंकों में होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट PPF अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये मैंने अकाउंट खोला था 1980 में, तब से मैं अकाउंट चलाए जा रहा हूँ। और आप हैरानगी रहेगी कि ये मेरे लिए एक राइट हैंड मजबूती, दाहिने हाथ का मजबूती रही है, क्योंकि मैंने देखा कि लोग प्राइवेट इन्वेस्टर के बातों में आकर के प्राइवेट जगह लगा तो देते हैं, म्यूचुअल फंड है या कोऑपरेटिव बैंक है या शेयर मार्केट है, और वो पैसे सट्टेबाजी में और उसमें उड़नछ हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे मान लो आपने साल में 1 लाख रुपए जमा करा, मिनिमम एक बैलेंस लेके चल रहा हूँ मैं 1 लाख में, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है PPF अकाउंट में। आप अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5.2%, जबकि इसमें 7.1% इंटरेस्ट मिलता है आपको, सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। तो और फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो पैसे। पहली बात तो ये है कि आप माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि ये खाता 15 साल से पहले आप नहीं खोल सकते। 15 साल के लिए आप फिक्स हो गए, इनके साथ जैसे गठबंधन कर लिया अपने शादी का कि 15 साल के पहले आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको अकाउंट रखना ही पड़ेगा और आपको हर साल पैसे जमा करना है। अब ये 1 लाख रुपये आपने 1 साल में जमा करा, दूसरे साल 2 लाख करा, तीसरा 3 लाख करा, तो इस तरह से आपको बढ़ते चले गए। प्लस आपका इंटरेस्ट पहला साल का 7,000 रुपये, दूसरे साल का दोनों 1 लाख और 1 लाख 2 लाख मिला करके 14,000 ब्याज पर 2,14,000 रुपये ब्याज, फिर 1 लाख फिर जमा करा 3,14,000 रुपये ब्याज। इस तरह से आप करेंगे तो आप 15 साल तक आपको ब्याज पे ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता चला जाएगा। करीब करीब 15 साल में अगर आप 1.5 लाख रुपये के हिसाब से करते हैं तो 22 लाख रुपये जमा करते हैं तो करीब करीब अच्छा अमाउंट मिलता है, करीब 45,000 लाख के करीब आसपास में मिलेगा। लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा, ये नहीं आपने 1 साल कर दिया फिर आप भूल गए, लगातार करिए। हाँ, 15 साल के बाद आपको जो मिलेगा ना तो वो आपकी मेहनत का पैसा ब्याज के साथ सरकार देती है आपको। फिर उसके बाद 15 साल को भी आप अगर निकालने की इच्छा हो तो जरूरत हो तब तो आप निकालिए, नहीं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप अगले 5 साल के लिए, 20 साल, फिर 20 साल के बाद फिर 5 साल के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सलाह हर नए नवयुवक को जो 17-18 साल में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए है। ये मेरा अपना पर्सनल निजी एक्सपीरियंस है, और आप किसी की बातों पर मत आइए न, क्योंकि आपको दलाल, आपको मालूम है दलाल बहुत घूम रहे हैं बाज़ार में, आपको गलत मिसगाइड करेंगे और फिर वो अपनी कमीशन, उनको तो अपनी कमीशन सारी ज़िंदगी मिलती रहेगी और हम और आप लपेटे में मर जाते हैं। जैसे सारा इंडिया का वो आप उड़नछी हो गई, पर्ल इंडिया है, बहुत से चले गए आदमी, अपने आँख के आँसू बहाने के अलावा कुछ नहीं।
इसलिए सरकार की तरफ से सिक्योर्ड अमाउंट पैसे आपके पैसे रात में बैंक रिजर्व बैंक में रखा हुआ पैसा इसके कोई नहीं मार सकता, लेकिन बैंक भी नहीं मार सकती, पोस्ट ऑफिस भी नहीं मार सकता, ये पैसे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। इसलिए आप बेधड़क होके बेहिचक होके खाता खोलिए और पैसे लगाते जाइए पीपीएफ अकाउंट में बच्चे के भविष्य के लिए। आप अपने लिए मत करिए, आपके छोटे बच्चे हों, 6 महीने के बच्चे उसके लिए खोलिए, बेटा है बेटी है सबके लिए खोल सकते हैं आप, वाइफ के लिए खोल सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।